सब्जी बेचने वाले की सफलता की कहानी। This story is suitable for the 13 plus viewers only, and it is made for the entertainment purpose only. So all characters of the story are the fictional one, and it doesn't have any relation with real person or incident. Thank you. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes, please come in. जॉब इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ भेजा ही। Yes, please sit. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हर्षद, हर्षद राय मिस्त्री। अच्छा हर्षद, कुछ खुद के बारे में बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, घर में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। मैं गुजरात में वलसाड़ जिले के धर्मपुर नाम के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माँ घर काम करती है, मेरा एक छोटा भाई है जो छठी में स्कूल में पढ़ता है, और मेरे पापा का शाक भाजी बेचने का बिजनेस है। सो योर डैड इज अ बिजनेसमैन, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसमें ऐसा है ना कि मोटा भाई, एक दिन मेरे बाप ने मुझसे बोला कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, और जितना मैं कमा रहा हूँ उसे अब हमारे घर का गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए अब तुम कुछ काम करना चालू कर दो। अच्छा, और ये मोटा भाई, मोटा भाई क्या लगा के रखा है? नहीं, मोटा भाई मतलब बड़े भाई, हमारे गांव में अपने से बड़े को मोटा भाई बोलते हैं, इज्जत देने के लिए। देखो हर्षद, ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ सबको सर और मैडम बोलना पड़ता है इज्जत देने के लिए। बाकी सब तो ठीक है, पर ये एप्लीकेशन फॉर्म में तुमने अपनी ईमेल आईडी क्यों नहीं लिखाई? वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। तुम्हें ये भी नहीं पता कि ईमेल आईडी क्या होता है? अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान समझ लो। पर सर, मेरा काम तो सब सही है, तो फिर ये सब जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स जरूरी है, आज के जमाने में जिसके पास ईमेल आईडी नहीं होता उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, he doesn't exist even। अपना ये फॉर्म लेके जाओ और दो दिन में ईमेल आईडी के साथ सबमिट करना, वरना समझो कि ये जॉब किसी और को मिल गए। पर साहब, एक दिन भी रह सकूं, उतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो ईमेल आईडी कहाँ से लाओ? अब देख लो इतना के तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या करना है। एक चपरासी की जॉब के लिए मैं पूरा दिन तो इंटरव्यू नहीं ले सकता। अबे क्या करूं? क्या हुआ बेटा, जॉब मिली या नहीं? बापूजी, वो लोग कुछ ईमेल जैसे मांग रहे हैं, ईमेल नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी। ईमेल वो क्या होता है? कोई बात नहीं, पर तुम घबराना मत, हम कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। बेटा, मैं घर जाके कोई रास्ता निकालता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना, 50 रुपए है मेरे पास। कोई बात नहीं बेटा, सब अच्छा ही होगा, भगवान कुछ रास्ता तो दिखाएंगे। अरे सुनती हो, हमारे पास ईमेल जैसा कुछ है क्या? नहीं, वो क्या होता है ईमेल? आपके पास ईमेल आईडी है क्या? नहीं। पंडित जी, आपके पास कुछ ईमेल आईडी जैसा कुछ हो तो दीजिएगा। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। आपके पास ईमेल आईडी है क्या? ईमेल आईडी का मैं क्या करूं? बाबा ओ बाबा, ईमेल, इस ईमेल का कुछ तो कीजिए बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या करूं अब तो इस ईमेल का? आपके पास ईमेल है क्या? मुझे क्या काम ईमेल का? आपको पता है ईमेल कहाँ मिलता है? बाजू में ही एक साइबर कैफे है, वहाँ ईमेल बन जाएगा। थैंक यू कू मोटा भाई। एक ईमेल आईडी दो ना मोटा भाई, मोटा भाई एक ईमेल आईडी दो ना। ईमेल आईडी बनाना पड़ता है तो बना के दो ना। एक घंटे का 60 रुपए है, उस कंप्यूटर पर बैठ जाओ और बना लो। ईमेल बनाने के पैसे तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? वो जॉब तो नहीं मिलेगी मुझे। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, स्वादिष्ट टमाटर, वो भी घर पे। अब सब्जियां लेने बाजार जाने की जरूरत नहीं है, घर पे कोई हो तो
टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, स्वादिष्ट टमाटर। आपको टमाटर चाहिए? कैसे दिए टमाटर? 30 रुपए के किलो। पर बाजार में तो 20 रुपए के किलो मिलते हैं। पर आपको बाजार जाना तो नहीं पड़ता, घर पर ही ताजे टमाटर मिल जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, 2 किलो दे दो। आपको टमाटर चाहिए? कैसे दिए टमाटर? 30 रुपए के किलो। 1 किलो दे दो। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, स्वादिष्ट टमाटर, वो भी घर पे। अब सब्जियां लेने बाजार जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हर्षद घर घर जाकर टमाटर बेचने लगा, और टमाटर बेचने से जो फायदा हुआ उस पैसे से हर्षद धीरे धीरे तरक्की करने लगा। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, स्वादिष्ट टमाटर, वो भी घर पे। अब सब्जियां लेने बाजार जाने की जरूरत। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, स्वादिष्ट टमाटर, वो भी घर पे। अब सब्जियां लेने बाजार जाने की जरूरत नहीं है। टमाटर बेच के हर्षद को जो मुनाफा हुआ उस पैसे से हर्षद ने एक छोटा सा सब्जी का थैला लगा लिया। ऐसे ही हर्षद अपने सब्जियों के बिजनेस को आगे बढ़ाता रहा, और उसके बाद उसने अपने बिजनेस में मदद के लिए एक आदमी को भी रख लिया। अब सिर्फ सब्जियों के थैले से बात नहीं बनेगी, मुझे और कुछ भी करना पड़ेगा। अब तो सिटी के लोग सुपरमार्केट से ही सब कुछ लेते हैं। मैं अपनी सब्जियां सुपरमार्केट में कम दाम में दूंगा तो शायद वो अपनी सब्जियां का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे। अरे ओ मोटा भाई, आपके बॉस कहाँ मिलेंगे? सर वो काउंटर पर है। हेलो सर, मेरा नाम हर्षद है। इस सिटी में मेरे 10 सब्जियों की शॉप है, और मैं अपनी सब्जियां फार्मर से डायरेक्ट लेता हूँ, तो फ्रेश सब्जियां और वो भी सबसे कम दाम में। आपके सुपरमार्केट में हम फ्रेश सब्जियां सप्लाई कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे तो सप्लाई है, पर अगर आप अपना रेट दीजिए, अगर डील हो पाएगी तो हम बता देंगे। आफ्टर 1 आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये डील हो सकती है। आप अपना पेमेंट कंडीशन बता दीजिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे विद अस इन आवर इंटरव्यू वी हैव एन अपकमिंग बिजनेस पर्सनालिटी, मिस्टर हर्षद राय मिस्त्री। नमस्कार। इट्स ग्रेट ऑनर टू हैव यू फॉर द इंटरव्यू हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। सर, यू आर रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस एज अ वेजिटेबल मर्चेंट। योर बिजनेस इज स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लगता है जब मेहनत का फल मिलता है। और ये क्या सर लगा के रखा है? मैं आपको सर इज्जत देने के लिए बोल रही हूँ। आप इज्जत देने के लिए मुझे मोटा भाई बोलिए। मोटा भाई, हम जानना चाहते हैं कि आज के इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते। आपके एडवोकेट बता रहे थे कि आप कोई मामूली ईमेल आईडी भी नहीं रखते। नहीं मोटा भाई, आप ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं? आपका ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया। 5 साल पहले अगर मैंने ईमेल आईडी बनाकर फॉर्म भर दिया होता तो मैं उस मल्टीनेशनल कंपनी का सोफिस्टिकेटेड चपरासी होता, और इस तरह आपके साथ बैठकर बात करने का कोई मौका नहीं मिलता। एक मोटा भाई ने मुझसे एक बार कहा था कि आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं होता तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मगर नहीं, इंसान अपनी मेहनत और बुद्धि से कुछ भी हासिल कर सकता ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और वीडियो पर कमेंट करके अपने सजेशन हम दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। इस वीडियो पर हम 100 लाइक का एम रखते हैं। मुझे पता है कि आप हमें अपना प्यार जरूर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।